सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। फाइनली टेली मसाला पे ये दो सिस्टर्स आ चुकी हैं। वैसे मैं पहला सवाल ये पूछूंगी, बिग बॉस के बाद लाइफ आप दोनों की एज अ सिस्टर कितनी ज़्यादा चेंज हुई? सो आई थिंक एज अ सिस्टर हम वैसे ही है, सोमी वैसे ही है मेरे से, मैं भी सोमी से वैसे ही हूँ। हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से फाइटिंग भी बहुत होती है, हमारी लड़ाई भी बहुत होती है और हमें प्यार भी वही है और कुछ चेंज नहीं हुआ है बहनों में। बहनें हमेशा ऐसी ही रहेंगी। बिल्कुल। अच्छा, घर से निकलने के बाद अगर दोस्ताना की बात करूँ तो बाहर कितने लोगों से आप लोगों की दोस्ती वैसे ही कंटिन्यू है और आगे भी वैसी रहेगी? बाहर काफ़ी लोगों से दोस्ती हमारी वैसी ही है, लाइक केवी एंड उनकी फैमिली से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। केवी हमारे घर पे भी आए थे, हम साथ में अजमेर गए थे, एंड केवी के अलावा रोशमि से एंड मेघा दाड़े सृष्टि है और सुरभि है, रोमल है, दीपक है, उर्वशी है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी सबसे अच्छी। सो अभी तो इवन तो मैं जा भी रही हूँ दीपक के शहर में, दीपक रोमल सबसे। अच्छा, अगर मैं आपकी सिटी की बात करूँ, वहाँ पे केवी आए हुए थे, बहुत अच्छा वेलकम आप लोगों ने किया था, उस मोमेंट को मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपने फैंस से शेयर। केवी का आना, टीजे का आना, आई मीन वो आए थे अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट, टीजे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, एंड देन वी सेड कि यू। सो बेसिकली केवी जब जयपुर में आए थे टीजे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और फिर हमारे घर पे भी आए थे, एंड देन हमने वहाँ पे भी उनका फिर से बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो यू नो फॉर अस केवी एंड टीजे इज़ लाइक फैमिली। वो बहुत अच्छे, मतलब वो मोमेंट बहुत अच्छा था, बिकॉज इवन माई मॉम, माई मदर, माई शी वॉज सो हैप्पी टू सी टीजे एंड केवी, एंड केवी सो सच अ नाइस पर्सन। उन्होंने अम्मी का पैर भी छुआ है, बहुत अच्छा, मतलब एक घर जैसा बॉन्ड था। एक्चुअली वो बहुत अच्छे इंसान है, वो सच में बहुत महान है। जी, और जिन लोगों को पता नहीं, जो कहते हैं कि नहीं वो फेक कर रहे थे, तो लेट मी टेल यू केवी बिग बॉस में जैसे थे वो वैसे ही हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत महान हैं, एक्चुअल में बहुत महान हैं। तो बहुत अच्छा मोमेंट था उनके साथ, सबने बहुत एंजॉय किया। और फिर हम अजमेर शरीफ दरगाह भी गए और वहाँ से भी ज़ियारत की, उनसे प्रेयर ली और हमने काफ़ी अच्छा दिन बताया उनके साथ। मुंबई और अभी कुछ दिन, एक दो दिन, दो तीन चार दिन हो गया आई थिंक आए हुए हमें, इट्स बीन लाइक अ वीक, या बट वी जब से आए हम लोग को घर पसंद नहीं आया था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। मुंबई में सबसे बड़ा स्ट्रगल है अपना खुद का घर लेना और हमने फाइनली एक फ्लैट पसंद किया है एंड वी आर शिफ्टिंग टुडे ओनली। सो ये हो गया है, उसके आगे फिर हमारे और मीटिंग स्टार्ट हो गई हैं, आगे प्रोजेक्ट की बातें चल रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को कोई सरप्राइज मिलेगा। बिल्कुल। ओके, लास्टली अपने फैंस को आप लोगों क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि इतना आप लोग जितना प्यार करते हैं मुझसे, कहीं गुना ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ और ऐसा प्यार हमेशा हमेशा बरकरार रखिएगा। सीरियसली जब मैं बाहर आई और मैंने आप सबका प्यार, आप सबका फीडबैक देखा, मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बरकरार रखें।